वीजा की अवधि समाप्त होने के कारण एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने के दौरान उसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद स्वपन है। बांग्लादेशी युवक मोहम्मद स्वपन का वीजा 3 महीने पहले खत्म हो गया था, बावजूद वो अवैध रूप से भारत में रह रहा था। वो टोटो मैकेनिक का काम करता था। इधर आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने के बाद फांसीदेवा पुलिस के सामने कई सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। आरोपी द्वारा मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने खुरीबाड़ी ब्लॉक के बतासे स्थित एक स्टूडियो में छापेमारी की। इस दौरान सनोई सरकार नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसकी दुकान से कई फर्जी आधार कार्ड के साथ एक लैपटॉप और फिंगरप्रिंट मशीन भी बरामद की गई है। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।